सुप्रभात दोस्तों, सुबह के 6 बजे हुए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं पूजा हो रही है। 6:30 तक ये पूजा चलती रहती है, उसके बाद बाकी काम होते हैं, चाय पीना, नाश्ता बनाना, ये सब काम शुरू होते हैं। बारिश आने के बाद 2-3 दिन तक तो मौसम अच्छा ही रहता है और अच्छा बारिश इस बार अच्छी हुई थी। कड़ाके की गर्मी के बाद थोड़ी सी बारिश भी अच्छी हुई। तो देखिए सुबह का वक्त है और कितना अच्छा लग रहा है। सारे पेड़ धुले हुए हैं, बिल्डिंग सब साफ लग रही है जैसे कि वो भी नहाना चाहती होंगी। फूल पत्ते पौधे गाड़ियां सब के सब साफ हो रखी हैं। तो चलो पूजा तो हो रही है, बाहर लेके चलते हैं। अभी आधे लोग को सो रखे, 6:30 तक उठ जाते हैं वो भी। ये मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हो गया है लंच टाइम और लंच का आज का मेन्यू है चपाती, रायता और ये चटाकेदार बैगन की सब्जी और ये हमारी देसी तोरी लौकी। लौकी? हाँ लौकी है। अच्छा, तोरी लौकी एक जैसे है। बच्चों को, आजकल के बच्चों को तो तोरी लौकी एक जैसे रखती है। चलो पानी लेके आ रही हूँ, ठीक है दोस्त? लंच करने आ जाओ। आ गया हूँ मैं लंच करने। वाह वाह वाह, बैंगन की सब्जी देखो, ऐसी सब्जी कहीं देखी है आपने? होटल में भी नहीं देखी होगी आपने ये सब्जी। और साथ में ये रायता बूंदी का जो मेरा फेवरेट है, और अच्छी से सीकी हुई फुली हुई रोटियाँ, साथ में घी की सब्जी। अब ये बताओ इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए? नहीं बता बता टमी वाले बच्चे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को? दोस्तों मैं खाना खाना शुरू कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, आप भी खाएँ। दोपहर का वक्त हो गया, लंच का टाइम है, आप भी खाएं, एंजॉय करें। ओके, हम तो खाना खाएंगे भाई, चुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुआ एडिटिंग कर रही है हमारे ब्लॉग की, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है फिलहाल, तो अभी डिफिकल्ट। और ये बताओ आज की तुम्हारी मैथ की पढ़ाई भी 10 बजे बच्चा उठता है, 12 बजे तक फ्रेश होता है, नहा धो के हैं, नाश्ता भी 12 बजे होता है। अन्ना जरा अलमारी बंद कर दो भाई, ढंग से धक्का बजे रसोई, इसको भी बंद कर दो। 2 बजे हम कब खाएंगे खाना? नहीं ऐसे मत करो, तुम मेरी ले रहे हो, नहीं फिर इसे हटा दो। हेलो दोस्तों, आज सुबह का ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज कहीं जाना था, मार्केट जाना था, कुछ ख़रीदना था। तो अभी बस शाम हो गई है और पानी आ गया है और ये अन्ना हमारी सो गई है, ये सो रखी है। स्कूल से आई और थोड़ा थक गई थी इसलिए सो गई है। और मैं कुछ सामान लेके आई थी, बस सामान लेके कर जरा दिखाना, अभी जरा बैठी हूँ
शाम हो गई है। सामान जरा दिखाना, वो जो बैल लेके आया है मंदिर के लिए। क्या क्या सामान है? ये टॉफी है, ये हम गांव जाने के लिए लेके आए हैं। ये है फैन, पंखा चला दो। ये है क्या होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं ना, हाँ नमकीन वाले कॉर्नफ्लेक्स है ना। हाँ और ये है बेकरी के बिस्किट, आटा बिस्किट, ये हमें बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें हम अपने खाने पीने के लिए लाए क्योंकि हमें हमें ट्रैवलिंग से ज़्यादा उसके बारे में बात करने में बहुत मज़ा आता है। बस इतना मज़ा हम शायद गाड़ी में भी नहीं करते जितना कि उससे पहले उसकी बातों में करते हैं कि रास्ते में जाएंगे तो ये खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और जो हमने कुछ वो सामान लिया है वो भी। और दिखाती हूँ मैं आपको ये मंदिर, मेरे पापा जी का ही मंदिर है। इसके साथ मंदिर के साथ पापा जी जुड़े हैं क्योंकि मंदिर से उन्हें बहुत प्यार था। ये लिया हमने धूप बत्ती रखने के लिए। हाँ। इसके साइड में छोटे छोटे होल हैं, उसमें आप अगरबत्ती लगा सकते हो, जैसे वो धूप बत्ती की जो भभूति होती है, क्या बोलते हैं उसे, है ना, भभूति वो गिरती है तो उसमें गिरेगी। हाँ तो फिर वो साइड में गिर जाएगी। इसमें साइज होती है, 3-4 साइज होते हैं, बड़ा होता है इससे बड़ा। हाँ। ये छोटा सा मुझे क्यूट सा अपने मंदिर के लिए। हाँ। है ना, सही लग रहा था। और और ये लिया हमने मंदिर में चढ़ाने के लिए घंटी, घंटा बोलते हैं घंटा। हाँ ये हमने बहुत, जब पापा भी थे हमारे साथ तो हमने एक बार बोला था कि जब हम नेक्स्ट टाइम गांव आएंगे तो हम ये मंदिर में घंटी चढ़ाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली पापा तो आज हमारे साथ नहीं है, मतलब उनका शरीर नहीं है, पर वो अभी भी हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। सुबह से हमारे शाम तक हमारे मुँह पर आज भी ऐसा लगता है जैसे कि पापा हमारे बीच में ही हैं। पापा का ना हम वैसे ही लेते हैं। तो ये घंटी है, अब हम कहाँ जाएंगे ये आपको, आप नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना। और तो ये वहाँ के लिए, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग के साथ।